प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अफवाह, इधर भी वही प्रोग्राम, इधर भी। ये कम से कर है। अभी पिछले हफ्ते तो शेम टू शेम देखा था। ओह नो, सर ने लेसन 20 बार लिखने को कहा है, वो भी मेरी हैंडराइटिंग में। अब मैं खेलूंगा कब? यस आइडिया, इसे मैं एक बार लिख के इसकी 20 जेरॉक्स कर देता हूँ। हेलो भिड़े बेन, आपका टीवी चालू कीजिए ना। टीवी चालू ही है मेरा, क्या हुआ? अच्छा तो देखे ना, उसमें जो एपिसोड आ रहे हैं ना, वो नए आ रहे हैं कि पुराने आ रहे हैं? अरे कहाँ, पुराने ही आ रहे हैं। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे ऐसे कैसे पुराने आ रहे हैं, नए आने चाहिए। मैं कब से बेचैन हो रही हूँ। अगो भाई, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे पुराने एपिसोड्स मैं ही दिखा रही हूँ। अरे ये लोग नए एपिसोड नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे थोड़े ना चलता है। अरे मुझे बताया तक नहीं कि पुराने एपिसोड दिखाएंगे। अरे हाँ, मैं कोमल बेन को फोन करती हूँ, उनके टीवी में शायद नए एपिसोड आ रहे होंगे। उन्होंने नया टीवी लिया है ना। अरे दया भाभी, टीवी नया हो या पुराना, प्रोग्राम हर जगह एक ही आता है। तो अब क्या करें? अब मैं क्या, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज और प्रोड्यूसर्स के बीच हो रही मीटिंग का कोई फैसला नहीं हो पाया है। अरे दया भाभी, रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही है टीवी पे। अच्छा, लेकिन प्रोड्यूसर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द वर्कर्स की डिमांड का कोई ना कोई हल निकल आए और दर्शकों को नए एपिसोड्स फिर से देखने का मौका मिले। जो लोग हर रोज हर दिन सीरियल देखते हैं, उनकी बेचैनियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक कब खत्म होगी। हालात को देखते हुए लगता है कि दर्शकों को कुछ दिन और रिपीटेड एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। माता जी, नए एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे, अब क्या होगा? बाप रे, मम्मी का हाल बुरा हो जाएगा। ये टीवी वालों को भी अभी स्ट्राइक करना था? सुमन घर पहुंच जाती उसके बाद करते तो। पता नहीं अब स्ट्राइक कब खुलेगी। मेरे दो हाथों में से एक हाथ में अंगूठी है, बताइए कौन से हाथ में? है वीडियो बनाए, बताइए ना, जल्दी से बताइए। क्या है माधवी, बताइए ना। अब इस हाथ में क्या? अभी क्यों, क्या हुआ? अरे अंगूठी आती थी ना तो टीवी वालों की स्ट्राइक खुलती थी। अच्छा, तो टीवी बंद है? हाँ। अच्छा हुआ, कम से कम माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर तो ध्यान देंगे। अच्छा, अगर माँ बाप पढ़ाने लगे तो आप शिक्षक लोग क्या करोगे? बात तो सही है। देखा मां, सुमन की क्या जिंदगी है, उसकी सास ने। मैं सुन रही हूं ना।
उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया। अब क्या होगा माँ उसका? अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। गया? क्या हुआ? सुमन को उसकी सास ने घर से निकाल दिया। क्या? ये भगवान, क्या क्या होता है दुनिया में। जयेश, जेठा आ, जय जिनेन्द्र। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुनिए। अरे क्या क्या क्या? मौसी को फोन दे। क्यों, क्या क्या मतलब है जयेश? मौसी ने सुमन भाभी को घर से निकाल दिया और तू खड़े खड़े देखता रहा? तूने क्या बंगड़ी पहनी है? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, तूने जो किया है वो बकवास है। क्या सुमन भाभी घर पे ही है? अरे मैं तो सीरियल वाली सुमन की बात कर रही थी। दया, ये तुम कब बोलोगी हैं? मैं मौसी को न जाने क्या क्या कहने वाला था। अरे मैं तो बोलने ही वाली थी, पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। और मैं बोल रही थी तब आप ऐसा किया था कि नहीं? टीवी सीरियल, टीवी सीरियल, टीवी सीरियल, जब देखो तब टीवी सीरियल। ये टीवी सीरियल के अलावा तुम्हें और कुछ दिखता है कि नहीं? हाँ दिखता है ना। क्या? आप। सुनिए ना, आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे? कितना? क्या? ये टीवी सीरियल की हड़ताल बंद करवा दो ना। क्या बंद करवा दो दया? तुमको क्या मैं यूनियन लीडर लगता हूँ? नॉनसेंस। शे, ये टीवी सीरियल के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या कर रही हो? मैं क्या कहती हूँ, मुझे जरा बाहर घुमाने ले जाइए ना। चल चल अबे। प्लीज। नहीं। रिक्वेस्ट। या भाई, नहीं मतलब नहीं। हाँ ठीक है, फिर न चाहते हुए भी बापूजी को फोन करना ही पड़ेगा। बोल कहाँ जाना है। थैंक यू। मेंशन नॉट। गो 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 गो। गो गो करके खुद ही चली गई। ठीक है, मैं उन्हें जल्द से जल्द याद आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे उस बॉन्ड पेपर पर। अरे वो टूट जाएगा रिमोट। क्या कर रही है आप? दया भाभी, आप रिमोट तोड़ो फोड़ो। हाँ? मेरा मतलब है उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती। पुराने एपिसोड्स ही देखने होंगे। यस, आई थिंक अभी एक महीने तक कोई भी नए एपिसोड्स नहीं आने वाले। हाँ बबीता जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो सुमन की सासू से भी ज्यादा भयंकर अपशकुनी बातें कर रहे हैं। What? कितने दिन हो गए वही पुराने एपिसोड्स देख रहे हैं, मैं तो बोर हो गई हूं। हाँ देखो ना, कितने दिन हो गए, पता नहीं सुमन रास्ते पर ही खड़ी होगी या उसका किडनैप हो गया होगा। अरे अरे दया भाभी, वो सीरियल है, हकीकत नहीं। और हकीकत तो ये है कि जब तक यूनियन और प्रोड्यूसर्स के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक कोई भी नए एपिसोड्स नहीं आने वाले। हाँ प्रॉब्लम है ना, तो मैं जाकर समझाऊंगी। नहीं दया भाभी, इतना आसान नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि उनका पैसों को लेके कोई डिमांड है, इसीलिए प्रॉब्लम्स है सारे। तो हम एक काम करते हैं,
हम सब चंदा इकट्ठा करके इन लोगों को दे देते हैं, फिर आज रात को ही नए एपिसोड शुरू करने के लिए उन लोगों को कह देते हैं। Listen, I think it's impossible, okay? Right. हाँ। Nothing is impossible in this world. भाई? क्या? दया भाभी आप इंग्लिश? वो टप्पू को स्कूल में लेसन दिया था ये वाक्य 100 बार लिखने के लिए, तो वो सब बोलते बोलते लिख रहा था तो मुझे भी याद रह गया। दया भाभी आप बराबर बोली, लेकिन ये हमारे बस में नहीं। देखो बारिश गिरा ना हमारे बस में है। बोलो no. अरे बोलो आप बोलो। नहीं 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 no. yeah. लेकिन हमारे गांव में बारिश गिराने के लिए हवन हुआ और बारिश हुई। मतलब टीवी सीरियल में नए एपिसोड लाने के लिए हम हवन करें तो कैसा रहेगा? हवन? प्लीज यार, नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी माँ कहती है कि सच्चे दिल से कुछ भी काम करे ना तो उसमें सफलता मिलती ही है। मुझे लगता है दया भाभी सही कह रही है। आजकल लोग छोटे छोटे चीजों के लिए हवन और पूजा रखते हैं, है ना? या करेक्ट, फिर चाहे वो सुपरस्टार की तबीयत के लिए हो या क्रिकेट मैच के लिए। हाँ तो तय रहा, टीवी सीरियल में नए एपिसोड लाने के लिए हम हवन करेंगे। बराबर बराबर बोलो हमने बात की। जय। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस हड़ताल की वजह से रोज गर्मा गर्म खाने को मिल रहा है। अरे हाँ यार, रोशन भी आजकल गर्मा गर्म रोटी सेक कर थाली में परोसती है, और पहले टीवी देखते देखते दाल की कटोरी में ही फेंक देती थी। मेरा बस चले तो मैं ऐसा आवन करवाऊं कि ये रोने धोने वाली सीरियल कभी चालू ही ना हो। ए भाई ए भिड़े, शुभ शुभ बोल भाई। नहीं पहले मेरा भी यही मत था कि ये रोने धोने वाली सीरियल कभी चालू ही ना हो, लेकिन फिर पता चला उसकी वजह से मेरा टीवी का धंधा ठप हो गया। अरे पहले मैं हफ्ते में 10-15 टीवी तो बेचता ही था, अभी पिछले 15 दिन में एक टीवी नहीं बिका। बोलो तो कल आप लोग हवन में आ रहे हैं ना? अबे हवन में तो आना ही पड़ेगा ना, बबीता को मैं मना कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार भाई आप, बबीता जी को तो मैं भी मना नहीं कर सकता। जेठालाल आपने कुछ बोला? आपने कुछ सुना? नहीं नहीं तो फिर कल मिलते हवन में। ओम भगवान भूत नमो सतनामन देवताय नमन सुमाओ सामाय नमः ओम नमः स्वाहा ओम भगवान कंति नो नो वापता ओम नमः सुम समाय जम चिन्नि कंडो नाय मद नमो सम नमो भक्तना ओम नारायण नमः सुम स्वाहा सुम सुम वामि सुगदा ओ तारे जम चिन्नि मन मो मान आकिस के। ये मंत्र बोल रहे हैं या अकेले में अपने आप से बात कर रहे हैं? नहीं मंत्र ही बोल रहे हैं। आप भी अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। हाय, मैं रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम गोकुल धाम सोसाइटी। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी हड़ताल हुई है जहां सारे नए एपिसोड्स आना बंद हो गए हैं। ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो इसके लिए आज यहां पर एक अनोखे हवन का आयोजन किया गया है। आपने हवन तो बहुत सारे देखे होंगे, क्रिकेट की जीत के लिए हवन, सुख शांति के लिए हवन, लेकिन टीवी इंडस्ट्री की हड़ताल के लिए हवन पहली बार। चलो वधू वर को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। अरे महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ शादी नहीं है हवन है। हाँ शादी नहीं है तो पहले बोलना मांगता है ना। अच्छा ठीक है, आपके ससुर जी का नाम बताइए। श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। स्वर्गीय चंपकलाल आत्म शांति है ना। ओ महाराज क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया भाई? चंपकलाल गड़ा मेरे पिताजी का नाम है। तो मतलब वो अभी जीवित है, गांव में है, स्वर्गीय क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, क्या माँ जी आप कुछ भी बता दे। अरे माँ जी होगी आपकी बहू। अरे बाप रे। अरे ये तो टीवी के लिए हवन रखा है। अच्छा टीवी के लिए हवन रखा,
माफ करना, क्या है सुबह से बहुत पूजा हो रही, सब मिक्स हो रहा है, माफ करना। तो सारे भक्तगणों, मैं जो भी बोलता हूँ ध्यान से सुनिए, जब भी मैं इस हवन कुंड में ये पूजा डालूंगा, मतलब मैं घी और पंचामृत जब डालूंगा, तब आप सब लोग बोलेंगे स्वाहा स्वाहा। अरे मैंने कुछ अभी डाला है क्या, आप क्यों बोल रहे स्वाहा? पीवी हरताल दूर करम हवन प्रारंभम स्वाहा स्वाहा। हे टीवी देवता, टीवी हड़ताल चालू, भक्त परेशानम स्वाहा स्वाहा। टीवी संकट, भक्तगण नए एपिसोड देखने व्याकुलम स्वाहा स्वाहा। और महत्वपूर्ण सब स्त्री वर्ग की इच्छा पटापट पूरी होवम स्वाहा स्वाहा। हेलो रीटा रिपोर्टर, या ओ हाय, व्हाट, वाओ, सुनिए खुशखबरी, स्ट्राइक खत्म हो गई। अगवाई, हमने यहाँ हवन किया और वहाँ पे हड़ताल खत्म हो गई। आहा, क्या आहा? और क्या माधवी, तुम भी कुछ भी अंधश्रद्धा फैला रही हो। अरे पिछले कई दिनों से प्रोड्यूसर्स और वर्कर के बीच में मीटिंग चल रही है, तो हड़ताल तो खत्म होनी ही थी, ये सिर्फ एक योगा योगे और कुछ नहीं। ए भिड़े भाई, आपको जो मानना है वो मानो, हम तो यही मानेंगे कि हवन की वजह से ही टीवी की हड़ताल खत्म हुई है ना, क्या कहते हैं आप? हा? हा, हा, हा। अब तो रोज नए नए एपिसोड देखने को मिलेंगे। क्या किधर लेके जा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हवन अभी हो गया, अभी लेके जाने का। तो हो गया तो आपको दक्षिणा मिलेगा ना, ये सब किधर लेके जा रहे हैं? अरे फल फ्रूट अभी बहुत महंगा हो गया, वो दे रहे ना खाली रखने का, इधर पूजा में सफरजन अभी 110 रुपया किलो है, वो इधर आप लेके जाएंगे तो इधर मर जाएंगे हम लोग। बस अभी नारियल को तो छोड़ो भाई, इधर वो चटनी बनाने के काम आता है घर पे, दया अच्छी बनाती है चटनी, छोड़ दो, जितना मिला खुश रहो, शांति रहो, खुशी से दिया है ना, ज्यादा मगज मारी चिक चिक मत करो अभी, चलो। अरे क्या करे थे तुम? अरे वो महंगे महंगे फ्रूट लेके भाग रहा था, पकड़ा उसको। और जो भी हो हड़ताल तो खत्म हो गई ना, ये अच्छा है, मतलब अगर मांगे पूरी ना हो तो हड़ताल करो। हड़ताल करने से सारी मांगे पूरी हो जाती है। अभी तुम ही बोलो ना भाई, अभी सब मिलके हड़ताल करेंगे तो मांगे पूरी करनी ही पड़ती है। चलो जो भी है, मेरा को ये खुशी है कि मेरा धंधा वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकने लगेंगे मेरे। चलो हाँ, चलो चलो चलो। फ्रेंड्स, अब हमारी प्रॉब्लम और परेशानियां दूर हो जाएगी। वो कैसे? अब हमें स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब स्कूल में टीचर की नहीं हमारी बात माननी पड़ेगी। वो कैसे? ओए टप्पू, तो क्या करने वाला है? स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी हड़ताल। मगर क्यों? देखो जैसे टीवी वर्करों ने स्ट्राइक की तो उन लोग की मांगे पूरी हो गई, बस उसी तरह हम स्कूल में स्ट्राइक करेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएगी। पर टप्पू, स्ट्राइक के लिए हमारी डिमांड क्या होगी? देखो टीचर स्कूल में हमें पनिश करती है, हाँ। ज्यादा होमवर्क देती है, हाँ। जिसके वजह से हमें खेलने का मौका नहीं मिलता, हाँ। बस इसीलिए हम स्ट्राइक करेंगे और हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। तो बोलो है मंजूर? तो मिला हाथ। भाई वाह, कमाल की बात है, बच्चे भी न जाने किन किन चीजों से प्रेरणा ले लेते हैं। अब टीवी वर्कर्स की स्ट्राइक हुई और प्रेरणा ले ली 10-11 साल के टप्पू ने, स्कूल में स्ट्राइक अनाउंस कर दी। ये टप्पू अब तक तो शरारतों के छोटे मोटे तीर छोड़ता था, लेकिन इस बार तो मिसाइल ही दाग दी। अब क्या होगा जब बच्चे करेंगे स्ट्राइक? स्कूल की हालत खराब होने वाली है या फिर पेरेंट्स की, या इन दोनों के साथ हम सब परेशान होने वाले हैं? लेकिन हम सब परेशान होंगे नहीं, क्योंकि हमें तो आदत है ना हंसने की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.